अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हीरे जहाँ की एपिसोड 22 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की। वो दोनों इस वक्त सफ़र में थे। सारे रास्ते हानम को जैद की टेंशन थी। वो कल रात दवाइयों के असर और जिस्मन उतर गया था और अब ये फिक्र खाए जा रही थी कि फुफो फिर यारम के सामने कोई बदतमीजी ना कर दे। पिछली बार तो उसने छोड़ दिया था, लेकिन अगर इस बार कुछ हुआ तो वो नहीं बख्शेगा। हानी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यारम ने उसकी तरफ देखते नरमी से उसे समझाया तो वो खामोशी से सर हिला गई। यही तो परेशानी थी कि वो था। अगर वो अकेली होती तो फूफो की बातों को इग्नोर कर देती, इन्हें हैंडल कर लेती, लेकिन यारम नहीं करेगा। जब उसके दिमाग में अचानक अर्शिया का ख्याल आया, यारम भाई क्या आप और अर्शिया एक दूसरे को पसंद? हानम ने यारम की तरफ चेहरा मोड़ते हिचकचाते सवाल किया तो यारम ने पलट कर उसे देखा। ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की बेवकूफ़ है और तुम जानती हो ऐसी लड़कियाँ हरगिज भी मेरी पसंद नहीं हो सकती। यारम की नीली आंखों में कल रात का मंजर लहराया था जब वो इस ठठरती ठंड में भीगा वजूद लिए हानम को सीने से लगाए बैठी थी और कल रात उसकी खिलखिलाती हंसी जावियार ने सोचते सर झटका था। लेकिन भाई अर्शिया बहुत अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, माशाल्लाह से कितनी हसीन भी हैं, आपके साथ तो बहुत प्यारी लगेंगी। हानम को ये सुनते बुरा लगा था कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, जबकि आज सुबह नाश्ते के मंजर के बाद तो उसे यकीन था कि यारम और अर्शिया के बीच पसंदगी है और उसे खुशी हुई थी बहुत, क्योंकि अर्शिया उसे खुद बहुत पसंद आई थी। हानम की बातें सुन अर्शिया का नाजुक हजीन सरापा उसकी आंखों के सामने आया था, लेकिन फिर वो फंक्शन वाली रात याद करते यारम ने आंखें घुमाते नफी में सर हिलाया। नहीं हानी, दुनिया जहां में ऐसी खूबसूरती भरी पड़ी है, मुझे ऐसी जाहिरी खूबसूरती से कोई गर्ज नहीं है। यारम ने तंजिया कहते सर झटका था कि हानम भी खामोश सी हो गई थी। क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता था, और अगर ऐसा होता तो मैं खुद भी मर जाता, मेरी सांसें भी रुक जाती। हानम ने आंखें बंद करते सर सिर से टिकाया तो कानों में ये अल्फाज गूंजे और हानम को लगा था जैसे सारे गिले सारे शिकवे मिट गए हों। दिल पुरसकून बनकर उतरा था और ये अल्फाज तो क्या वो इतनी अहमियत रखती थी उसके लिए। हानम मुस्कुराई थी उसके लफ्जों को याद करके जब अचानक गाड़ी रुकी। आंखें खोलते देखा तो ख्वाबों की दुनिया ने असल जिंदगी में लापटखा। गाड़ी उसके घर के बाहर आ रुकी थी। वो और यारम बाहर निकले, दरवाजा खटखटाया तो काफी देर ना खुला, जबकि अंदर से जैद के रोने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर में आलिया बेगम ने दरवाज़ा खोला तो हानम को सामने खड़ा देख वो पहले हैरान हुई और फिर गुस्से से उसे देखने लगी जो अंदर की तरफ देख रही थी, जबकि यारम को अभी वो ना देख सकी थी क्योंकि वो गाड़ी साइड पर करके उससे टेक लगाए खड़ा था। क्या करने आई है अब तू? रात भर घर से बाहर आवारा गर्दियां करके तुझे क्या लगा सुबह तुझे मैं घर में रख लूंगी? आलिया बेगम दरवाजे पर ही खड़े चीखी तो आसपास की औरतें भी जमा हुई। अरे ये रात भर घर से बाहर थी, तौबा तौबा, ये सब क्या हो रहा है हमारे मोहल्ले में? एक औरत हानम के पीछे खड़े होते आलिया बेगम को देखते बोली, जबकि जैद आलिया के अल्फाज सुनता कमरे से बाहर भागा हुआ आया। हानम तुम आगे, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना डर गया था, वो दूर से ही खड़ा चीखा तो हानम ने उसे नम आंखों से देखा। रास्ते से हटे मेरे और क्या तमाशा लगा रही है आप दरवाजे पर खड़े होकर? हानम दबी दबी आवाज में चीही तो आलिया बेगम मजीद फैल कर खड़ी हुई, जबकि आसपास मोहल्ले की 3-4 औरतें खड़ी ये तमाशा देख रही थी। अरे बीबी निकलो मेरे घर से, बहुत देख लिए तेरे तमाशे, पता नहीं तेरी रगों में किसका गंदा खून है कि मेरे भाई की तरबियत भी तुझ पर असर ना करी। रात रात भर घरों से बाहर रहती है, क्या समझी मैं तेरी तरह गिरी हुई औरत हूँ जो सुबह सुबह तुझ बेगैरत का वेलकम करके घर में लाऊंगी? आलिया बेगम अब की बार चीखी थी कि यारम जो हानम को अभी तक दरवाजे पर खड़ा परेशानी से देख रहा था, आलिया बेगम की चीखों पुकार सुन हानम के पास आया। क्या हो रहा है ये? कुछ औरतें वहां खड़ी एक जवान खूबसूरत मर्द को हानम के साथ खड़ा देख मुंह पर हाथ रखती हानम को देखने लगी। अरे आलिया बाजी,
ये जवान मर्द कौन है हानम के साथ? एक औरत के पीछे से आवाज उभरी तो यारम ने पलटकर खूनखार नजरों से उस औरत को देखा, जो फौरन उसकी नजर का मतलब समझती खामोश हुई। जबकि आलिया बेगम के दिल में भी खौफ पैदा हुआ यारम को देख, लेकिन फिर वो खुद को संभालती चेहरे पर गुस्सा सजा गई। देखो यारम, अब इसको मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये रोज रोज के चौंचले बस बहुत हुए। ये रोज लेट आएगी और तुम रोज इसकी हमायत लेने आ जाओगे। ये सब नहीं चलेगा। यहाँ मैं मौजिज लोगों के बीच रहती हूँ, अब ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, आलिया बेगम ने गुस्से से कहा तो यारम ने सख्त नजरों से इन्हें देखा। हानम यहाँ किराए पर नहीं रहती है, उसका अपना घर है और आप उसकी फूफो हैं। आपको जरा फिक्र नहीं थी वो कहाँ थी, किस हाल में थी, उल्टा आप यहाँ खड़ी हैं, सबके सामने तमाशा लगा रही हैं, यारम ने सख्त लहजे में कहा। अरे भाई तुम हो कौन? किसी गैर मर्द के साथ ये रात गुजार कर सुबह आई है, ये अच्छी लड़कियों के तौर तरीके नहीं होते। हमारे घर में भी जवान बच्चियां हैं, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी, लेकर जाओ इसे यहाँ से, एक औरत गुस्से से आगे होते हुए बोली तो आलिया बेगम को दूसरी औरतों से हौसला हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये यहाँ नहीं रहेगी अब, आलिया बेगम ने गुस्से से बोला तो जैद भागा हुआ आया और पीछे से आलिया बेगम को धक्का देते हानम के पास आया और उसके गले लगा। मेरी बहन कहीं नहीं जाएंगी, ये हमारे बाबा का घर है, जैद ने गुस्से से कहा तो हानम ने रोते हुए उसे सीने से लगाया। तुझे यहाँ रहना है तो तू रह ले, लेकिन ये लड़की मेरे भाई का खून नहीं है, ऊपर से आवारा बदचलन, कहीं की रातों को गिर घूमती फिरती है और सुबह होते घर आ जाती है, आलिया बेगम फुंकारते हुए बोली तो यारम गुस्से से चीखा कि वो बुदक्कर दूर होते दिल पर हाथ रख गई। बंद करें बकवास अपनी, नहीं रखना चाहती तो मत रखें, लेकिन अगर हानम के किरदार के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जुबान खींच लूंगा मैं, यारम बोलाया तो हानम रोती हुई जैद को खुद में छुपा गई। उसकी वजह से क्या जैद भी दरबदर होता, ये घर उसका नहीं था, लेकिन जैद का तो था ना। भाई नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तो वो आप अंदर चले, हम आराम से बात करते हैं, बैठ कर मैं आपको सब बताती हूँ, हानम ने बात सुलझाना चाही। अरे बस कर, लेकर निकल अपने इस नाम के भाई को यहाँ से, पता नहीं ऐसे कितने भाई तूने बनाए, मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो, आलिया बेगम बोल रही थी कि यारम हानम को साइड पर करते धाड़ा था। आलिया बेगम का मुंह बंद हुआ था, जबकि आंखें फाड़े वो यारम को देखती साक्षी हो गई थी। चलो हानम यहाँ से, वरना मैं इस औरत को जान से मार दूंगा, यारम ने आलिया बेगम पर अपनी नजरें गाड़ते गुस्से से कहा तो उन्होंने थूक निकला। आप जैसी औरत किसी की सगी नहीं हो सकती और ना आप जैसे लोगों को कोई बर्दाश्त करता है, यही वजह थी कि आप अपना घर ना बसा सके। आप जैसी औरतों की यही सजा होती है, अकेली तुम तन्हा यहीं पड़ी रहे। यारम सर्द आवाज में इन्हें तल्ख हकीकत से आगाह करता हानम और जैद को अपने साथ ले गया था। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती और आलिया बेगम जैसी खातून की यही जिंदगी थी। वो खामोशी से यारम की सख्त बातों को बर्दाश्त करते दरवाजा बंद कर गई थी। पूरे रास्ते हानम और जैद कुछ ना बोले थे, जबकि हानम के आंसू टिप टिप गिर रहे थे। ये उसके लिए शर्मिंदगी का मुकाम था। वो जो बहुत मुश्किल से अपने अंदर इस एहसास कमतरी को मार कर खड़ी होती थी, अगले ही दिन आलिया बेगम के अल्फाजों से वो फिर ढह जाती थी। अगर वो रोड से पड़ी मिली थी तो उसकी अब तक की सारी जिंदगी में बस यही पहचान रह गई थी। आलिया बेगम ने इस बात का हर लम्हे उसे एहसास दिलाया था कि वो सर उठा ही ना सकी थी। उसे डर लगता था कि किसी को उसकी पहचान ना पता चल जाए। उसकी इज्जत नफ्स को हर बार ये बात ठेस पहुंचाती थी। उसका क्या कसूर था, वो तो जानती तक ना थी कि उसके माँ बाप कौन थे, वो क्या थी, कहाँ से थी, किसके गुनाह की निशानी थी या किसी हादसे का शिकार, लेकिन इसमें उसका कसूर कहाँ था, उसकी पूरी जिंदगी एक सवालिया निशान बनकर रह गई थी। उसके दामन से ये दाग कभी भी नहीं मिट सकता था। यार हमने अपने पोर्च में आते गाड़ी रोकी और बाहर निकलते पिछली सीट का दरवाजा खोला तो जैद और हानम बाहर आए। हानम का झुका सर ना उठा था, शर्मिंदगी से वो हरगिज भी नहीं चाहती थी यहाँ आना। अगर यारम ना होता तो वो यकीनन सब संभाल लेती, लेकिन वो कुछ कर ना सकी, जबकि इस बार आलिया बेगम ने अपनी हर हद पार कर दी थी। यारम खामोशी से इन्हें लिए अंदर बढ़ा तो सना बेगम वहीं सोफे पर परेशानी से बैठी थी। यारम को देख के उठकर उसके पास आई, जबकि पीछे हानम और जैद को देख कर भी वो काफी हैरान हुई थी। यारम बेटा कहाँ थे तुम सारी रात? बेटा तुमने कहा था थोड़ी देर में आ जाओगे और अब आए हो। और हानम और जैद बेटा खैरियत है, आओ अंदर आओ, सना बेगम यारम से कहती हानम और जैद को अंदर ले आई तो वो सब सोफे पर बैठे।
यारम ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी हकीकत सना बेगम को बताई तो वो हैरानी से सुनती हानम को देखने लगी, जो सर नीचे झुकाए शर्मिंदगी से आंसू बहा रही थी। हानम बेटा कैसी हो तुम अब? सना बेगम उठते हुए हानम के पास बैठी और उसे अपने सीने से लगाया तो वो फूट फूट कर रो दी। नहीं बेटा रो मत, तुमने तो हमें पराया ही कर दिया बेटा, क्या मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं थी? मेरे पास आती बेटा, आलिया बाजी तो शुरू से ही इतनी कड़वी जुबान बोलती हैं, उनके साथ तुम दोनों को अकेला देख तो मैं खुद भी परेशान हो गई थी कि तुम दोनों कैसे रहोगे उनके साथ। सना बेगम ने उसकी पीठ सहलाते परेशानी से कहा तो उसके आंसू ना थमे। तुम्हें पता है हानम, कल रात से ही वो पूरे मोहल्ले में तमाशा लगा रही थी। उन्होंने एक एक घर जाकर बताया कि तुम घर में नहीं हो और सब तुम्हारे बारे में इतनी गलत गलत बातें कर रहे थे। मेरा दिल कर रहा था एक एक का पत्थर से सर फाड़ दूं, जैद ने आंसू पोंछते हुए बताया तो हानम के रोने में मजीद रवानी हुई। वो औरत इस लायक हरगिज नहीं है कि तुम दोनों उसके साथ रहो, तुम लोग यहीं रहो, आनी होती है यहाँ, तुम दोनों यहाँ आराम से रहोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। यारम ने जरा सख्ती से अपना फैसला सुनाया और उठते कमरे की तरफ बढ़ गया। आनी हम यहाँ नहीं रह सकते, प्लीज यारम भाई को समझाएं, हानम ने फौरन उसके जाते हुए सना बेगम से कहा तो वो उसके आंसू पोंछते नफी में सर हिला गई। मैं हूं ना यहाँ, मेरे साथ रहोगे तुम दोनों, बस अब परेशान नहीं हो और ज्यादा मत सोचो। सना बेगम ने जैद को भी अपने सीने से लगाया तो हानम खामोशी से इन दोनों को देखने लगी। पता नहीं आगे और क्या क्या परेशानी उसके नसीब में लिखी थी। अर्शिया शूट से फ्री होती अपने रूम में मौजूद थी जब शेज अंदर आया। अर्शिया ने पलट कर देखा तो ब्लू जींस और ग्रीन शर्ट में वो मुस्कुराता उसे ही देख रहा था। तुम यहाँ, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? अर्शिया ने माथे पर बल डाले सवाल किया तो वो हंसता हुआ नफी में सर हिला गया। तुम्हारी हर खबर होती है मुझे, वो मुस्कुराता सोफे पर बैठता उसे गहरी नजरों से देखने लगा, जो इस वक्त जींस के साथ वाइट हाईनेक पहनती हुई थी मौसम के हिसाब से, क्योंकि आज काफी ठंड हो गई थी। तुम तो अब ना मिलती हो ना कहीं नजर आती हो, बिल्कुल ही इग्नोर करने लगी हो मुझे, शेज ने मुंह बनाते हुए कहा तो अर्शिया ने नजरों का जाविया बदलते अपने बालों को पोनी में कैद किया। उसे खुले बालों से बहुत चिढ़ होती थी। मैं फ्री होकर आती हूँ, उसके बाद यहीं बैठकर कॉफी पीते हैं, मुझे आज जल्दी घर जाना है, अर्शिया ने मोबाइल चेक करते मसरूफ से लहजे में कहा। यारम को जो कल शाम उसने व्हाट्सएप पर पिक्चर्स भेजी थी वो उसने अब तक नहीं देखी थी। उसका रिएक्शन सोचते अर्शिया गहरा मुस्कुराई थी और होंठ दांतों तले दबाते नफी में सर हिलाया था, जिसे शिज ने बहुत गहरी नजरों से देखा था। हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, शिज ने कहा तो वो दरवाज़ा नॉक हुआ। उसकी सेक्रेटरी थी, मैडम एक मिनट जरा बाहर आएंगी, काम है। वो लड़की अर्शिया को जल्दबाजी में बुलाने आई तो वो मोबाइल टेबल पर रखती बाहर की तरफ बढ़ गई। शिज नफी में सर हिलाता मुस्कराया और उठकर टेबल की तरफ बढ़ा। मोबाइल उठाते उसने सबसे पहले व्हाट्सएप खोला और पहली चैट पर ही उसने क्लिक किया जहाँ वाइल्ड मैन के नाम से नंबर सेव था। चैट खोलते उसके सामने जो तस्वीरें आई थीं वो आंखें फाड़े इन्हें देखने लगा। बहुत बेवकूफ़ हो अर्शिया तुम, बहुत बेवकूफ़, चीज ने हंसते हुए नफी में सर हिलाया और वही तस्वीरें खुद को फॉरवर्ड करते अपनी चैट वहाँ से डिलीट करते मोबाइल टेबल पर जैसा था वैसे ही रखते सोफे पर बैठा था। अर्शिया अंदर आई तो उसके पीछे ही एक लड़का दो कॉफ़ी के मग लेकर टेबल पर रख गया। मैं काफ़ी मसरूफ़ होती हूँ शेज, इसलिए अब वक्त नहीं मिलता और तुम्हें पता है मुझे दोस्तियाँ बनाना और निभाना बिल्कुल नहीं पसंद, मैं बस प्रोफेशंस की हद तक बातचीत रख रही हूँ, अर्शिया ने होंठों से मग को लगाते संजीदगी से कहा था कि शेज ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। लेकिन मुझे तो 3 साल से जानती हो यार, हमारी इतनी अच्छी बातचीत है, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और तुम मेरे साथ भी ऐसा करती हो, शेज ने शिकवा किया तो अर्शिया नजरें फेर गई। वो सिर्फ बातचीत की हद तक ही रहती थी, दोस्तियां बनाना उसे पसंद नहीं था। यही वजह थी कि ना कोई लड़की उसकी दोस्त थी और ना कोई लड़का, क्योंकि वो खुली सोच की मालिक थी, जो शेयर करना होता था भी जान से कर लिया करती थी। उसके अलावा उसके पास और कुछ ना होता कि दोस्तियां बनाए और अपने मसले इन्हें बयान करे, इन सबको वो टाइम वेस्ट करना कहती थी। उसे अपने काम से प्यार था इसलिए वो उसी की तरफ अपना फोकस रखती थी। शेज मैं मसरूफ होती हूँ अब, अर्शिया ने बेजारी से कहा और टाइम देखते उठ खड़ी हुई। अच्छा चलो ठीक है, तुम जब फ्री हो मुझे कॉल कर देना, किसी दिन बैठकर लंच या डिनर कर लेंगे, शेज ने उसे कहा तो अर्शिया ने मसरूफियत से
सर अस्पात में हिलाया और अपना बैग उठाया। ओके, मैं चलती हूँ, बाय, अर्शिया कहते वहां से निकल गई थी, जबकि शिज ने उस मकरूर लड़की को देख दांत पीसे थे। तुम्हारी सारी अकड़ मैं ही निकालूंगा बेबी, जस्ट वेट एंड वॉच। शिज के दिमाग में जो शैतानियत छाई हुई थी उसका असर अर्शिया की जिंदगी पर इतना गहरा चढ़ने वाला था कि शायद उसने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। सुबह होते ही जरमान नाश्ते के लिए नहीं आया था। नूर अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा थी, उससे बात करना चाहती थी। उसने सोचा था कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने किए की माफी मांगेगी, लेकिन जरमान का इतना इंतजार किया मगर वो नहीं आया। थोड़ी ही देर में माही का फोन बजा था, जिस पर उसने सिर्फ इतना कहा था, आज वो जरा मसरूफ है और नीचे इन दोनों का वेट कर रहा है। नूर को भी पता चला तो वो बोझल चेहरे के साथ आलियान को रेडी कर गई थी। थोड़ी ही देर में वो दोनों भी जा चुके थे और उसे भी यारम से बात करनी थी कुछ प्रॉपर्टी के सिलसिले में। उसे आज ऑफिस भी जाना था, इसलिए खामोशी से रेडी होने चली गई थी, ये सोचते कि जरमान को आकर मना लेगी। रेडी होकर वो अपनी कार के पास पहुंची और उसमें बैठी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो पलटती उससे पहले किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखा था और वो लम्हों में बेहोश होकर गिरी थी। उसका बेहोश वजूद लेते वो उसे दूसरी तरफ बिठाते और खुद मेन सीट पर बैठता वहां से निकलता चला गया था, ये जाने बगैर कि जब इस लड़की को होश आएगा तो वो क्या कयामत खड़ी कर देगी उसकी ज़िंदगी में। जबकि दूसरी तरफ जरमान ने इन दोनों को ड्रॉप किया और एक होटल पर रुकते उसने नाश्ता किया था। वो नूर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करने लगा था, उसका कोई रिश्ता नहीं था उससे, जरमान को कोई हक ना था कि वो इस तरह उनकी ज़िंदगियों में शामिल हो। वो ठीक ही तो कह रही थी, इसलिए आज वो यहीं आ गया था नाश्ता करने। चाय नूर के हाथ की पीने की इतनी आदत थी कि इस चाय की हलक में उड़ेला भी ना गया। कप वहीं रखते और पैसे रखते वो पुलिस स्टेशन निकल गया था, जहां पहुंचते उसे गाजी के बारे में जो पता चला था वो यकीनन उसके लिए बहुत काम आने वाला था। जावियार ने आज हानम का बहुत इंतजार किया था ऑफिस में, ये जानने के बावजूद कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो आज नहीं आएगी, उसके बावजूद भी वो बेचैन सा बैठा था अपने ऑफिस में, जबकि यारम भी नहीं आया था अब तक। वो तो कब से गया हुआ था। जावियार ने हानम को फोन करना चाहा, लेकिन उसने फोन भी ना उठाया। ये लड़की मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही, जावियार ने गुस्से से फोन को देखते पूछा था, जैसे वो उसे जवाब दे देगा, लेकिन था तो वो बेजुबान सा फोन ही। दोबारा फोन मिलाया लेकिन इस बार भी कोई जवाब ना दिया गया, तो जावियार ने गुस्से में फोन टेबल पर पटका। 2 से 3 घंटे में अब तक वो 4 कप पी चुका था कॉफी को, जबकि 5वां कप अभी भी उसके सामने रखा था, जिसे देखते जावियार को हानम की बात याद आई थी। हाँ तो कड़वी ही होती है ये, इसे कभी सूंघा है आपने? मैं तो इसे सूंघकर ही मर जाऊं, आप पता नहीं कैसे इसे हलक में उडेल लेते हैं। नहीं मुझे यकीन है मैंने अच्छी ही बनाई है, आप जानबूझकर मुझे ये कड़वी कॉफी पिलाना चाह रहे हैं। मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पी रही इसे, प्लीज इसमें से तो गंदी सी स्मेल आ रही है। जावियार को उसकी बातें याद आई थी, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो झल्ली सी लड़की, उसकी पागल सी बातें जावियार के दिल में कब घर कर गई थी उसे पता भी ना चला था। अलमीर की बातों ने उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया था और रही सही कसर कल हुए हादसे ने पूरी कर दी थी। जावियार के माथे पर बल पड़े थे अलमीर की बात याद करते, जब उसने कहा था कि डैड और यारम से उसकी और हानम के रिश्ते की बात की जाए। जावियार को लगा था किसी ने उसे जल्दी आग में फेंक दिया हो। वो इस कदर गुस्से में आ गया था कि उसके चलते वो अगले दिन हानम पर जुल्म कर गया था, लेकिन अब वो कोई गलती नहीं करेगा। हानम उसके लिए कितनी जरूरी है इस बात का इल्म उसे अच्छी तरह हो गया था और अब वो अपनी सांसों को खुद से दूर जाने नहीं देगा। थोड़ी ही देर में उसे पता चला था कि यारम ऑफिस आ चुका है, इसलिए वो उठ खड़ा हुआ और यारम के कैबिन की तरफ बढ़ा। जावियार ने अंदर कदम रखा और दरवाजा बंद किया ही था कि उसके मुंह पर जोरदार मुक्का पड़ा और वो पास पड़े सोफे पर गिरा। जावियार ने आंखें मीचते अपने मुंह को सीधा किया, उसे लग रहा था जैसे जबड़ा अंदर से हिल गया हो। उसने सामने देखा जहां यारम खड़ा अपने हाथ को झटक रहा था, जिससे
उसने मुक्का मारा था, जबकि चेहरे के तासरात भी सख्त थे। दिल कर रहा है तेरी एक एक हड्डी को तोड़ दूं, यारम कहते मुड़कर अपनी चेयर पर जा बैठा था, जबकि जावियार ने गुस्से और तकलीफ से अपने जबड़े को हिलाया था। ये अपनी बॉडी को जहर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे हैंडसम फेस की वजह खराब करके तुम्हें चैन नहीं मिला, जावियार ने गुस्से से उठते शीशे में अपना चेहरा देखते हुए कहा। तो यारम ने सर झटका। उसकी वो सो कॉल्ड फुफो ने जो तमाशा लगाया है ना, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, यारम गुस्से में बुड़बुड़ाया। तो जावियार ने पलटकर माथे पर बल डाले, उसे देखा। क्या मतलब? जावियार सामने चेयर पर बैठे उसे पूछने लगा। तो यारम ने उसे शुरू से लेकर अब तक की सारी दास्तान सुनाई, जिसके बाद जावियार का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने सुर्ख रंग फेंक दिया हो। गुस्से से सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। ये सुनकर के उसकी फुफो ने यारम और हानम के रिश्ते को गलत रंग दिया। दिल कर रहा था उस औरत का गला घोंट दूं, लेकिन अपनी जिंदगी में इतना सब्र कभी नहीं किया जितना इस औरत के अल्फाजों पर किया, यारम ने गुस्से से कहा। तो जावियार ने खामोशी से सुना, जबकि गुस्से से दिमाग के सारे तारों में शॉर्ट सर्किट होने लगे थे, लेकिन उसने खुद को काबू करते यारम की तरफ देखा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कल, जिसका पछतावा मुझे हमेशा रहेगा। मेरी वजह से क्या हो गया, जावियार ने तहमुल से कहा। तो यारम ने गुस्से भरी नजर उस पर डाली और पेपर वेट उठाकर उसकी तरफ फेंका, जिसे वो बरवक्त पकड़ गया, वरना उसका सर फट जाता। तेरी वजह से ही हुआ है ये सब, यारम ने दबे दबे लहजे में गुर्राकर कहा। ओ भाईजान, जान से मारना है क्या मुझे, जावियार ने हड़बड़ाकर पेपर वेट टेबल पर रखा। तो यारम ने गुस्से से मुंह फेरते अपने लैपटॉप को ऑन किया। नूर नहीं आई अभी तक, जावियार ने घड़ी देखते यारम से पूछा। तो यारम ने भी वक्त देखा, वो तो 10 बजे आने वाली थी, अब 11 बज रहे हैं, तुम्हें इन्फॉर्म किया उसने, यारम ने कहा। तो जावियार ने हैरत से नफी में सर हिलाया, वो तो कभी ऐसे लेट नहीं होती। फिर आज, यारम ने कहते फोन कान से लगाया, उसका फोन बंद जा रहा है, यारम ने कहते वापस कॉल लगाई, लेकिन हर बार फोन बंद था। जरमान खान से पूछो, मीटिंग की डिटेल्स तो नूर के पास है, और अब क्या होगा, जावियार ने कहा। तो यारम ने जरमान को कॉल की, लेकिन नूर तो यहाँ नहीं आई है, यारम ने दोहराया। तो जावियार भी उसे देखने लगा। अच्छा तो ठीक है, मैं फिलहाल मीटिंग डिले कर दूंगा, तुम नूर से कांटेक्ट करके मुझे इन्फॉर्म कर देना, यारम ने कहते फोन रखा। नूर शायद कहीं और गई होगी, जरमान खान कह रहा है वो घर में भी नहीं है, यारम ने बताया। तो जावियार ने भी कंधे उचकाए। चलो फिर मैं इन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ, मीटिंग कल रख लेते हैं, जावियार कहता केबिन से बाहर निकल गया था।